स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो फायदे होते हैं हम वो बात करते हैं। इसमें फार्मर यानी किसान और बायर के बीच एक स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है कि फार्मर को किस चीज़ की खेती करनी है और पर हेक्टेयर या पर यूनिट लैंड में किस तरीके से खेती करनी है, उसका जो है ट्रेडिशनल वे में या उसकी टेक्नोलॉजी क्या होगी, किस तरीके के बीजों का प्रयोग किया जाएगा। इसमें सुपरविज़न भी जो बायर होता है यानी जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं उनके बीच बीच में विजिट करते रहते हैं और फसलों की ग्रोथ को देखते हुए वो अपना टेक्निकल सुपरविज़न भी देते हैं। और जिस हिसाब से अगर देखा जाए जब फसल हो जाती है तो वो एक एक्सपेक्टेड वैल्यू रहती है कि इतने हेक्टेयर में इतनी फसल की एक्सपेक्टेशन रहती है और जो दाम तय होते हैं उसके हिसाब से वो फार्मर को जो है पेमेंट कर दिया जाता है। कुछ पेमेंट एडवांस में भी किया जा सकता है जब कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी इंटर होते हैं। देखिए इसके फायदे क्या होते हैं। सबसे पहला जो चेंज या फायदा है नेचर ऑफ जॉब में ये होता था कि पहले जो किसान है वही जो है पूरा ओनर होता था, अपने खेत का ओनर होता था, इसके साथ साथ जो क्रॉप पैदा होता था। तो इस कंडीशन में जो रिस्क होता था रिस्क को बियर करने वाला भी किसान होता था। जैसे सबसे पहला रिस्क ये होता था कि लागत उसने कुछ और लगाई है और मार्केट में किस रेट पे बिकेगा इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं रहती है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि रेट आपका ऑलरेडी फिक्स हो जाएगा, जो बायर है वो ऑलरेडी आपकी उपज का रेट वो पहले से ही फिक्स कर देगा। तो एक रिस्क जो सबसे बड़ा रिस्क है जिसके लिए सारा आंदोलन चल रहा है वो इसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा इलिमिनेट हो जाता है। फार्मर को भी पता रहता है कि 3 महीने के बाद जब उसकी उपज होगी तो वो किस प्राइस में बिकेगा। दूसरा चीज ये होता है कि जो सीमांत तरीके के किसान हैं, लघु किसान हैं, छोटे किसान हैं, वो टेक्नोलॉजी वगैरह के जो लेटेस्ट रिसर्च हैं, चाहे वो सीड हो गई, फार्मिंग टेक्नोलॉजी जो हो गई, उसका एक्सेस उनके पास नहीं रहता है, वो सुविधाएं जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सर्टेन लिमिटेशंस, फाइनेंशियल लिमिटेशंस होती हैं या किसी भी तरीके से उस सोर्स तक, जो टेक्नोलॉजी का जो सोर्स है वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं हो पाती है। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होगा कि जो सीमांत किसान है, लघु किसान है, छोटे किसान है, अगर वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाते हैं तो उनको भी जो एडवांस लेवल की, जो लेटेस्ट लेवल के जो बीज होंगे, जो टेक्नोलॉजी होगी, जो नॉलेज होगा फार्मिंग का, वो टेक्नीशियन के द्वारा प्रदत्त किया जाएगा। तो उनकी जो कैपेसिटी है फार्मिंग की वो भी बढ़ेगी, यानी